Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटी छोट छोट वीडियो मो अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने पर जब भल लगे तुम्हें लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग को भी शेयर करपर और जो वीडियो मुझे पठेबी भी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल्रे प्रेस करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोर उपर जो देखु थ्री डॉट्स अच्छी वीडियोर क्वालिटी बढ़ेगा 144 रु मैक्सिमम जिते मुझे 480 करदेली तो वीडियोर क्वालिटी बढ़ीज प्रति वीडियोर मुझे पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें डाउनलोड कर जो डाउन एरो अच्छी या को क्लिक कलापुर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मुझु भिडर यूनिट व्वज सजे रखी मो चैनल को क्लिक कलापुर तुम प्ले लिस्ट एटी बाहर करके तुम यूनिट व्वज पाइपर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे कन्वर्शन अफ गाल्वानोमीटर इंटू एमिटर एंड वोल्ट मीटर ये जिनसटा देखला आज तार रिलेटेड किसी प्रॉब्लम्स करवा ता पूर्व कि इंपोर्टेंट नोट्स ऑलरेडी एटा कही सेकेंड आउ थर्ड पॉइंटा बहुत इंपोर्टेंट भाबारे आसे गोटे लो रेजिस्टेंस आम जब गोटे गाल्वानोमीटर को एमिटर रे कन्वर्ट करवा चाहूँ तो वी विल कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस व्हिच इज नोन एज शंट एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द सर्किट ओके एवं जो एमिटर रहिला यही एमिटर को सर्किट रे पुणी कनेक्ट केमती करा जाए सीरीज रे कनेक्ट करा जाए ओके ठीक अच्छे। अच्छा थर्ड पॉइंट रे जदि आम गोटे गाल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर रे कन्वर्ट करबा को चाहूचू ताले वी विल कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस नोन एज मल्टीप्लायर एंड दिस हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट एंड द वोल्ट मीटर इटसेल्फ इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द सर्किट ओके सो एबे आसीबा हमरो मूल प्रॉब्लम को देखो फर्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 23 एठी कहूँ रेजिस्टेंस दे देला गाल्वानोमीटर रो दिस मच मैक्सिमम करंट व्हिच कैन पास थ्रू इट इज दिस मच व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू फर्स्ट कंडीशन देला एमिटर एमिटर रो पुनी करंट दे देला सेकेंडटा है वोल्ट मीटर रो वोल्टेज दे देला तो सब सबुथरु आगर आमर काम जहाँ जहाँ क्वांटिटी आमको दे दीचे आम लिखीदे गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस दे दी गाल्वानोमीटर रो करंट दे दीचे तो इन केस ऑफ एन एमिटर एठी एमिटर रो करंट दे देला आम जानीचु सन्ट रो वैल्यू एतिकी एई फार्मूलाटा सब बेले मन रखिबो जी आई जी बाय आई माइनस आई जी सो आम सिंपली आम वैल्यू पुट कर देले आमर रिजल्ट आसी गला 0.098 ओम हला। सेकेंड केस रे वोल्ट मीटर पाई मध्यो ए फॉर्मूलाटा मने रखिबो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस टा ए बळिया होए वी बाय आई जी माइनस जी सो वी एठी दे दैछि सिंपली आमे हमर वैल्यू पुट कर देबा हमर रेजिस्टेंस आसी गला मल्टीप्लायर 4951 ओम हला एटा बहुत सहज अछि। नेक्स्ट प्रॉब्लम रे अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर ऑफ 100 ओम थ्रू एन एमिटर The resistance of the emitter is 4/3 ohm. A voltmeter has also been connected to find the potential difference across the resistor. Draw the circuit diagram. Pratham case koila. Tapre koila if the emitter reads 0.02 ampere, eta hoche emitter jota current read koruchi. What is the resistance of the voltmeter? Eta second jinsa pachala. Third jinsa puni pacharchi jodi voltmeter read koruchi 1.10 volt, what is द एरर इन द रीडिंग है सो फर्स्ट जो ड्र द सर्किट डायग्राम आगो डायग्राम को देख जो भाया हिसाब से कही डिस्क्रिप्शन से हिसाब से देख डायग्राम दिस इज द रेजिस्टेंस 100 ओम रो ऑब्वियसली ए रेजिस्टेंस सांगे वोल्ट मीटरटा निहाती भाव में पैरेलल रे ही कनेक्ट हेबो एवं एमिटरटा सीरीज सांगे सीरीज हिसाब से कनेक्ट हेबो एटा आम जानू सर्किट रे एमती कनेक्ट कनेक्शन हुए वोल्ट मीटर और एमिटर तापर तुम जो बैटरी रहीगला बैटरी एरो वोल्टेज दे दी तार रेजिस्टेंस दे दी एवं करंट जो सर्किट रे प्रवाहित हो 0.02 एम्पीयर सो दिस इज द सर्किट डायग्राम सो फर्स्ट आम कौन करवा जो कॉम्बिनेशन देखी पार्थ जो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर कॉम्बिनेशन रो टोटल रेजिस्टेंसटा आगे आम बाहर करवा यही कॉम्बिनेशन हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सपोज आर हो तुम्हार वोल्ट मीटर रो रेजिस्टेंस एंड आर डैश है तुम रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ओम एंड योर वोल्ट मीटर देन आर डैश रो वैल्यू ऑब्वियसली दिस वन आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू यहाँ हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन रो टोटल रेजिस्टेंस
सो एबे टोटल रेजिस्टेंस आम सर्किट रो इजिली कैलकुलेट करि परबा दिस मच 2 + 4/3 प्लस दिस मच आर डैश जोटा हैला ए टोटल रेजिस्टेंस काहे के कैलकुलेट करला बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द EMF एवं करंट एथ्रु तमे आर रो वैल्यू पुट करि परबो सो करंट इज नथिंग बट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस करंट ऑलरेडी दे दीची EMF भी दे दीची 1.4 वोल्ट सो एठी सब पुट कर देला परे वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ आर सो आर वैल्यू एठी देखो 200 ओम आसी गला हैला एई जो 200 ओम आसीला एबे आमे कोन करबा एठी आर डैश रो वैल्यू रे पुट करबा काई के आर डैश रो वैल्यू रे पुट करला बिकॉज आमको बाहर करिवार अछि वोल्ट मीटर रीडिंग हैला वोल्ट मीटर रीडिंग केते हबो आई इनटू आर डैश हबो वोल्ट मीटर रे जो करंट गला सेती की इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर हैला सो आई इनटू आर डैश कर देले हमें 4/3 वोल्ट और व्हिच इज इक्वल टू 1.33 वोल्ट आसी गला हैला तपर एटा सेकंड जिंस बाहरला एबे थर्ड जिंस एरर जोटा कहिछि एक्चुअल रे एटा जो हमें रीडिंगटा बाहर कला दिस इज द थ्योरेटिकल रीडिंग ऑलरेडी क्वेश्चन रे कहिछि द वोल्ट मीटर इज शोइंग अ रीडिंग ऑफ 1.10 वोल्ट सो सिंपली हमें माइनस कर देले हमरो एरर बाहर गला 0.23 वोल्ट सो दिस इज द एरर इन द सर्किट लास्ट रे एई प्रॉब्लम एग्जांपल 25 ओटे कहउछि गोटे गैल्वेनोमीटर अछि टुगेदर विथ ए अननोन रेजिस्टेंस व्हिच इज इन सीरीज इज कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ 1.5 वोल्ट When the batteries are connected in series, the galvanometer records a current of 1 ampere. When the batteries are connected in parallel, the current is 0.6 ampere. Pacharchi kono, what is the internal resistance of the battery? So, case 1 or case 2 dekhiba. Case 1 re ame kono kariba, series combination ro bahar kariba. Case 2 re ame kono kariba, parallel combination ro bahar kariba. फर्स्ट धरी नि आ जाओ कैपिटल आर है तुम अननोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट व्हिच इज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर एवं स्मॉल आर है तुम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है दुईटा बैटरी एवं दुईटा बैटरी तो ये सामान दे सो इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी है सो एवे जो जमी कहली केस वन केस टू केस वन है व्वेन द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज यापाई देख फिगरटा यही भाया हम फिगर देखिपड़ दुईटा जाक बैटरी सीरीज रे कनेक्शन होती सो निहाती भाव में रेजिस्टेंसटा टोटाल जदि आम बाहर करवा देन आर प्लस आर और टू आर हो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज एज दे आर कंटेन सीरीज सो एबे आम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट रो बाहर करने को चाहिए इट इज सिंपली कैपिटल आर प्लस टू आर दिस मच है सो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट रो बाहर कर देला आम एक् EMF सहित पकई हमें करंट बाहर करवा सो आई इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस टोटल EMF एति के आसी गला बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज सो वोल्टेजटा प्लस हो 1.5 प्लस 1.5 व्हिच इज 3 वोल्ट सो 3 बाय आर प्लस 2 आर एठी हमको दे दीचे ऑलरेडी करंट I1 सो I1 रो 1 तार वैल्यू पुट कर देले हमें आर आ स्मॉल आर भितरे गुटे रिलेशनटे पाइला याकू धरि नबा गुटे इक्वेशन 1 दे देला एबे आमे केस टू को जीवा केस टू रे हला सिंपली आमर पैरेलल कॉम्बिनेशन हेले एटा हे जीवा कोन आर इनटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर और सिंपली आर स्क्वायर बाय 2 आर सो दैट इट इज आर बाय 2 ए कॉम्बिनेशन रो ए आर बाय 2 को पुनी आमे कैपिटल आर रे जोग करिले टोटल रेजिस्टेंस पाइला फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग एठी जो वोल्टेज देखि पड़थबो वोल्टेज माने कोन इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सो पोटेंशियल डिफरेंस एठी जेतु पैरेलल अछि सो दिस इज ओनली 1.5 वोल्ट हैला जदी सीरीज हे थांदा ताले 1.5 प्लस 1.5 हे थांदा हैला सेई कथा एठी देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर कर देला टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाय 2 एंड टोटल EMF इज 1.5 वोल्ट सो एबे करंट आइ जेबो I2 रो वैल्यू एठी 0.6 दे दी छी हैला सो एटा पुट करके एबे पुनी आर आउ स्मॉल आर भितर आ गोटे रिलेशन आम पाइला सो एबे किछि नै इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 को आम सॉल्व कर देले कैपिटल आर आउ स्मॉल आर रो वैल्यू इजीली आम पाई परबा ओके एठी देखो कैपिटल आर आम एंती हिसाब रे सॉल्व करू छी एंती कैपिटल आर टा कैंसिल आउट हो जो बिकॉज हमको कैपिटल आर बाहर करबार नै हमको स्मॉल आर रो वैल्यू एठी पचार छी व्हिच कम्स आउट टू बी 1/3 ओम ओके थैंक यू